हेलो टू ऑल माय लवली पीपल, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हम घर में ही बालों को नेचुरली ब्राउन कलर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक मेहंदी पे वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने बरगंडी कलर घर में कैसे कर सकते हैं नेचुरली विदाउट एनी केमिकल क्रीम। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको वो कलर चाहिए तो आप वो वाले वीडियो चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में आज मैं ब्राउन कलर हम घर में ही कैसे नेचुरली कर सकते हैं वो शेयर करूंगी, किस तरह से इसे अप्लाई करना है, कितनी देर रखना है, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से हमें ब्राउन कलर मिलेगा बालों में, वो सब कुछ मैं यहाँ पर डिटेल में शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली वीडियो पर आते हैं। सबसे फर्स्ट आपको एक डिकॉक्शन रेडी करना है, एक पानी हमें रेडी करना है जो हम मेहंदी को मिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे, जिससे हमारे बालों में नेचुरली ब्राउन कलर आएगा। इस डिकॉक्शन के लिए सबसे फर्स्ट हम एक पैन में पानी लेंगे। जितना ज़्यादा आप पानी ले सकते हो आप उतना लेना, बिकॉज़ हम पूरी मेहंदी इसी डिकॉक्शन से मिक्स करेंगे। अगर आपको बालों में अच्छा कलर चाहिए है तो आप सिर्फ यही डिकॉक्शन ऐड करना, ऊपर से एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं करना। इसलिए जितना हो सके आप ज़्यादा पानी लेना, पानी कम नहीं पड़ना चाहिए मिक्स करते टाइम। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी लिया है और उसे थोड़ा गर्म होने दिया है। 5 मिनट्स तक इसे अच्छे से गर्म होने दिया था। गर्म होने के बाद इसमें सबसे फर्स्ट जो चीज़ मैंने ऐड की है वो है कॉफ़ी। मैंने यहाँ पे 2 छोटे पैकेट कॉफ़ी के ऐड किए हैं, लगभग 5 से 6 स्पून कॉफ़ी का मैंने ऐड किया है। कॉफ़ी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती ऐड की है और अच्छे से मिक्स करके इसे 15 टू 20 मिनट्स इसे मैंने बॉईल होने दिया है। 15 टू 20 मिनट्स बाद इसे लो फ्लेम पे बॉईल होने देना है, मीडियम या हाई पे नहीं रखना है। लो फ्लेम पे इसे 20 मिनट्स बॉईल होने देना है और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है और इस डिकॉक्शन को ठंडा होने देना है। गरम मिक्स नहीं करना, ठंडा होने के बाद ही मिक्स करना है। ठंडा होने के बाद मैंने एक बाउल में मेहंदी ली थी। मैंने यहाँ पे ये शंकर सुगंधी मेहंदी ली है, इससे कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली ली है। ये अमेज़ॉन पे भी ईज़िली मिल जाती है, तो अगर आप ये वाली मेहंदी यूज़ करना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन से इसे ले सकते हो, ईज़िली मिल जाएगी, अवेलेबल है वहाँ पे। अगर आपके पास दूसरी मेहंदी है जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक बाउल में ये मेहंदी ले ली थी और उसमें मैंने जो डिकॉक्शन हमने प्रिपेयर किया था उसे थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। एक साथ ज़्यादा इस डिकॉक्शन को मेहंदी में नहीं डालना, वरना मिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना और मिक्स करते जाना। इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। और मिक्स करने के बाद हम इसे ओवरनाइट रहने देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसका एप्लीकेशन करेंगे, ताकि रात भर में जो भी हमने डिकॉक्शन प्रिपेयर किया था, जो हमने मेहंदी में ये डिकॉक्शन ऐड किया है, ये सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए और हमें अच्छा सा कलर मिले। इसलिए इसे ओवरनाइट रहने देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसका अच्छे से एप्लीकेशन करना है। हम इसे रूट में भी अप्लाई करेंगे और लेंथ में भी अप्लाई करेंगे। रूट में हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज़ मेहंदी सिर्फ बालों को कलर देने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। मेहंदी के और भी बेनिफिट्स हैं जो शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। मेहंदी सिर्फ बालों को कलर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, मेहंदी के और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बालों में नरिशमेंट के लिए। अगर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो हम मेहंदी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमें स्पा के बाद, केराटिन के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, सेम मेहंदी के बाद भी हमारे बालों को वही सॉफ्टनेस, वही स्मूथनेस, वही शाइन मिलती है। बस वही बात है कि हम स्पा क्रीम या केराटिन जो कराते हैं वो क्रीम होता है, ईज़िली बालों से निकल जाता है। मेहंदी अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी मेहनत लगती है, हेयर वॉश के टाइम पर, बट ये नेचुरल चीज़ है, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। इनफैक्ट इसे रूट में अप्लाई करने से अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पूरी तरह से डैंड्रफ रिमूव हो जाएंगे। स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, बिकॉज हम इसे लेंथ में भी अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उस वजह से स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। ये हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है। ऑब्वियसली मेहंदी सिर्फ अकेली हेयर ग्रोथ में मदद नहीं करती है, दूसरी चीज़ें हमें इसमें ऐड करना होता है। सो वो मैं फिर कभी किसी दिन वीडियो में बताऊंगी कि मेहंदी के एप्लीकेशन से हमें हेयर ग्रोथ कैसे मिल सकता है, उस पर मैं कभी और वीडियो शेयर करूँगी। सो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इससे आपके बालों को सिर्फ कलर ही नहीं मिलेगा, आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगा, आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ होंगे, काफ़ी ज़्यादा बालों में शाइन भी होगी। तो आपको कलर के साथ साथ बहुत सी दूसरी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेहंदी को अप्लाई करके मिनिमम 2 से 3 घंटे रहने देना है और उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश के वक्त आप शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ना शैम्पू ना कंडीशनर कुछ भी नहीं। अगर आप शैम्पू यूज़ करोगे तो आपके बालों में उतना अच्छा कलर नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना, शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। फर्स्ट डे पे जब आप हेयर वॉश करोगे, उसके बाद जब आपके बाल ड्राई होंगे, उस वक्त आपको थोड़े से आपके जो बाल हैं वो रफ़ लग सकते हैं, बिकॉज़ मेहंदी फ़र्स्ट एप्लीकेशन में जब आप अप्लाई करते हो, उसके बाद जब हेयर वॉश करते हो, फर्स्ट हेयर वॉश में इतने अच्छे से नहीं निकलती है। आप कितना भी उसे वॉश कर लो, थोड़ा बहुत रह ही जाता है, वो सेकेंड वॉश में पूरी तरह निकल जाता है। और अगर रह भी गया थोड़ा बहुत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको हल्का सा रफनेस बालों में फ़ील हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो में तो बताया था कि बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा शाइनी होंगे, और रिज़ल्ट में भी हमें नज़र आया था, लेकिन हमको वो रिज़ल्ट नहीं मिला। सो जब बाल ड्राई होते हैं तो कुछ देर के लिए आपके जो बाल हैं वो उतने ज़्यादा सॉफ्ट फील नहीं होते हैं, इसलिए जब बाल ड्राई हो जाएंगे तब आप हल्का से अपने बालों में ऑयल का एप्लीकेशन कर लेना। बहुत नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा नॉर्मल बालों में तेल लगा लेना है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप हेयर वॉश करोगे उस वक्त आपको तुरंत आपको बालों में सॉफ्टनेस नहीं नज़र आएगी, कलर आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ आपके बालों में अच्छा सा कलर आया है। ड्राई होने के बाद भी आपके बालों में कलर नज़र आएगा, बट जो मैंने बताया सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, जो शाइन है, वो जब आप ऑयल का एप्लीकेशन करोगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आप अपने बालों को देखना, आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आएंगे, इतने ज़्यादा स्मूथ लगेंगे, बालों में शाइन बहुत होगी, और उस वक्त आपको अपने बालों में कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिकॉज सिर्फ अगर कलर है बालों में और बालों में शाइन नहीं है, बाल काफ़ी ज़्यादा रूखे लग रहे हैं, तो वो इतना अच्छा नज़र नहीं आता है। बट अगर बालों में कलर है और उसमें शाइन भी है तो बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो अगर आपको तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिले तो घबराना नहीं है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपके बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। और जिनके बाल नॉर्मल हैं उनके बाल स्ट्रेट भी होंगे, और जिनके बाल कर्ली हैं उनके बाल इतने ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होंगे बट मैनेजेबल हो जाएंगे, आपके बाल ज़्यादा से उलझे से नहीं रहेंगे। सो जिनके बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं, तो वो हर मंथ ये मेहंदी का एप्लीकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज़ आप जब फर्स्ट टाइम इसे अप्लाई करोगे आपको तभी आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आएगा, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ और बिल्कुल भी बाल फ्रिजी नहीं लगेंगे। आप हर मंथ मेहंदी का एप्लीकेशन ज़रूर करें, इससे आपके जो बाल हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, पूरी तरह रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ बालों को हेल्दी रखने के लिए या सिर्फ बालों में नरिशमेंट रहे उसके लिए मेहंदी का एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप हर 2 से 3 महीने में एक बार करोगे तो भी चलेगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने ये वीडियो एकदम छोटा ही रखा था, मैंने इसमें ज़्यादा नॉलेज शेयर नहीं किया है कि मेहंदी लगाने से ये होगा वो होगा, नहीं। सबको पता है कि मेहंदी यूज़ करने से क्या होता है, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम पहले से यूज़ होती आ रही है, सब अप्लाई करते हैं, इसलिए ये वीडियो मैंने एकदम छोटा ही रखा था, इसमें मैंने ज़्यादा नॉलेज शेयर नहीं किया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। और जो मेरा ओल्ड वीडियो है जिसमें मैंने बर्गंडी कलर वाला शेयर किया था, अगर आपको वो कलर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वो चेक कर लेना। और अगर आपको ब्राउन कलर चाहिए तो आप इस रेमेडी को फॉलो करें। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मैंने और भी बहुत सारी रेमेडी शेयर की है, आप उसे ट्राई करें, अपने बालों को स्किन को हेल्दी बनाइए। थैंक यू, बाय बाय।